गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग टूअर्ड्स योर स्टडीज नाओ विल डू लेसन नंबर टेन हाओ मैनी क्रोज इन द किंगडम फ्रॉम द बुक ऑफ ग्रेफिल को आज हम लेसन नंबर टेन करेंगे और उसका नाम क्या है हाउ मैनी क्रोज इन द किंगडम यानि कितने क्रोज यानी कौए हैं किंगडम यानि हमारे राज्य में नाउ लेट स्टार्ट रीड अलोंग विथ मी बेटा जफर वॉज अ ग्रेट किंग एंड वीरेन वॉज हिज फेवरेट मिनिस्टर नाउ जफर वॉज हु ही वॉज अ ग्रेट किंग वो एक बहुत अच्छा राजा था और विरेन जो था वो उसका बहुत अच्छा मंत्री था फेवरेट वन डे वाइल वर इन्जॉइंग अ वॉक इन द गार्डन एक दिन जब लो जब वो दोनों गार्डन में वॉक कर रहे थे जफर सो मैनी क्रोज फ्लाइंग इन द स्काई अब जफर ने क्या देखा कि आसमान में बहुत सारे कौए उड़ रहे हैं एज ही ऑब्जर्व द क्रोज ही थाट ऑफ हैविंग सम फन अब जैसे ही उसने कौओं को देखा तब उसने सोचा कि चलो कुछ मस्ती कर ली जाए ही आस्ड वीरेन डू यू नो द नंबर ऑफ क्रोज दैट लिव इन अवर किंगडम उसने वीरेन से कहा कि क्या आपको पता है कि कितने कौए हमारे किंगडम में रहते हैं वीरेन वॉज कंफ्यूज वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया ही टू थिंक फॉर अ moment एंड answered. उसने थोड़ा सा टाइम लिया सोचने के लिए और फिर जवाब दिया देयर आर फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स क्रोज इन अवर किंगडम हुजूर। अब हुजूर पहले जमाने में राजा को बोलते थे अपनों से बड़ों को बोलते थे तो वीरेन ने कहा कि कितने क्रोज हैं फाइव हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स क्रोज नाउ द किंग वॉज सरप्राइज एंड आस्ट हाउ आर यू सो श्योर किंग एकदम चौक गया और उसने पूछा कि आप इतना श्योर कैसे हो वीरेन सेड वीरेन ने कहा यू कैन काउंट देम आप उनको गिन सकते हो What if the count is more than five hundred and thirty-six? The king asked. अब किंग ने उससे पूछा कि अगर फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स से ज्यादा हुए तो हम्म सोचो बेटा अब ज्यादा हुए तो चलो अब आगे पढ़ते हैं मजा आ रहा है ना यस दिस वुड मीन दैट द अदर क्रोज आर विजिटर इन आर किंगडम और विरेन ने कितना अच्छे से आंसर दिया कि इसका यही मतलब है कि अगर 536 करोड़ से ज़्यादा हुए तो वो कौन है विजिटर्स हैं यानी मेहमान हैं हमारे राज्य में दे मस्ट हैव कम टू विजिट देयर रिलेटिव सेड वरेन वीरेन ने कहा कि क्या पता वो दूसरे को हुए उनके रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं उनसे मिलने आए हों वॉट इफ दे आर लेस देन दैट किंग जफर अगेन अब किंग जफर ने पूछा फिर से कि अगर कम हुए तो kingdom, वीरेन, वीरेन ने तुरंत जवाब दिया कि इसका मतलब अगर कम हुए तो हमारे राज्य के कौए दूसरे राज्य के कौए से मिलने गए हैं जफर स्माइल्ड एंड वॉज इम्प्रेस विदेन वि जफर स्माइल करते हुए वीरेन से बहुत खुश हो गया क्यों क्योंकि उसने अपना दिमाग चलाया सभी आंसर्स उसने फटाफट दिए और सारा का सारा कंफ्यूजन जो है वो जफर के ऊपर ही डाल दिया आई होप यू ऑल इन्जॉयड द स्टोरी मुझे भी बहुत अच्छी लगी नाउ हियर आर द आंसर्स आई यू हैव टू राइट डाउन दीज आंसर्स इन योर ग्रैफिल को बुक ओनली आई होप ईच एंड एवरी थिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड योर होमवर्क इज़ वॉट येस यू ऑल नो यू हैव टू डू रीडिंग टू टाइम्स विथ योर पेरेंट्स आपके पेरेंट्स के सामने आपको बैठ के टू टाइम्स रीडिंग करनी है थैंक यू एंड हैवे अ नाइस डे